बात रावत जी बरसों तक हमारे साथ रहे, हमारे अभिन्न मित्र भी रहे। पता नहीं किन परिस्थितियों में मैंने तो उनसे चर्चा भी की, पूछा भाई आप क्या तकलीफ है। बोले अब हमारा यहाँ तालमेल नहीं बैठ रहा है कुछ नेताओं से, और उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अब चूंकि उन्होंने मंत्रिपद की शपथ ले ली भारतीय जनता पार्टी में, जिस पार्टी का हमेशा वे सांप्रदाय के आधार पर विरोध करते रहे, अब उसके गुणगान करेंगे। मैं इस पद पर बैठे उनके लिए उनको बधाई देता हूँ कि कम से कम अपनी विचारधारा न बदले। सिंधिया के साथ चले सिंधिया के साथ अब काम करेंगे, वो ऐसा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी में इतने पुराने सीनियर नेता के तौर पर उनका ये कहना था कि जितने भी सीनियर नेता उनकी बात नहीं मानी जाती है, बाहर से आए वो लोगों को पार्टी तवज्जो दे रही है, कोई सीनियर जूनियर में कोई फर्क ही महसूस नहीं किया जा रहा कांग्रेस पार्टी में, इसलिए छोड़ी। कुछ तो उनको घटना घटी होगी तभी उनके उनके साथ, मेरे साथ तो ऐसी घटना नहीं हुई लेकिन उनके साथ हुई है, उनको कष्ट पहुंचा है। तो ये कोई तरीका नहीं था, जिस विचारधारा से आप बरसों तक रहे हैं उस विचारधारा को एक क्षण में त्याग करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन अब उन्होंने पद पर बैठे हैं तो मैंने उनको बधाई धन्यवाद दे दे रहा हूँ। क्या लग रहा है कांग्रेस में सीनियर नेताओं की जो है क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा। अब अगर उनको राम निवास जी को लगा है तो उनसे आप विचार कर बात कर लेना। से टिकट मांग रहे थे डॉक्टर साहब लोकसभा का? मांग रहे थे, निश्चित रूप से मांग रहे थे। लोकसभा के प्रत्याशी बनने के लिए उनकी इच्छा थी और टिकट भी मांग बात की थी, मेरे से भी चर्चा की थी, लेकिन पार्टी ने उचित नहीं समझा टिकट देना, क्योंकि दो बार उनको पहले पार्टी दे चुकी थी।